बाजार में आज सीमित दायरे में कारोबार होता दिखाई दिया। निफ्टी मामूली गिरावट के साथ 16,952 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 40 अंकों की गिरावट दिखी। हालांकि निफ्टी हल्की तेजी के साथ 137 अंक चढ़कर बंद हुआ। दिन भर बाजार में कैसी हलचल रही बता रही है हमारी सहयोगी मानसी दवे। एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले वॉलिटिलिटी थी, भारी वॉलिटिलिटी मार्केट्स में नजर आई और डाउनसाइड जो है वो ज्यादा विटनेस हो रही थी। बाजार के अगर इंडेक्सेस पर अगर नजर डालें निफ्टी में बिकवाली का दबाव जरूर दिखा। हालांकि बैंक निफ्टी ने बाजार को सपोर्ट देने का काफी हद तक काम किया। 39,567 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के अपमूव के साथ बैंक निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली। मिड कैप जो कि लगातार बाजार को संभालने का काम करते हैं आज संभाल नहीं पा रहे थे। मिड कैप इंडेक्स में हमने बिकवाली का दबाव भी देखा। हालांकि कुछ तमाम स्टॉक्स जरूर थे कि जो कि मिड कैप से जुड़े हुए जो बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे थे या फिर बाजार में अपमूव्स क्रिएट कर रहे थे, जैसे कि इमामी का स्टॉक। इमामी में हमने बायबैक की खबर देखी और बायबैक की खबर के ठीक बाद स्टॉक में एक पॉजिटिव अपमूव भी नजर आया और अच्छी खासी मजबूती के साथ ड्यूरिंग द सेशन ऑलमोस्ट 5% के अपमूव्स देखने के बाद करीब 4.5% तक की तेजी पर यह स्टॉक जो है क्लोज होता हुआ दिखा। इसके ठीक बाद यूपीएल प्रमोटर बाइंग की खबर आती हुई दिखी और प्रमोटर का स्टेक जो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि पॉजिटिव सेंटिमेंट है और इसी का एक असर था जो कि यूपीएल के स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिला। 2% तक की तेजी स्टॉक ने भी देखी, अच्छी मजबूती के बीच कामकाज दिखा। वहीं इंफ्रा स्टॉक्स पर आज जरूर नजर रखी गई क्योंकि दिलीप बिल्डकॉन, पीएनसी इंफ्रा जैसे स्टॉक्स थे जो कि L1 बिडर या फिर कह सकते हैं कि कम बोली लगाने वाले बिडर के तौर पर साबित होते हुए दिखे इंफ्रा के लिए, NHAI प्रोजेक्ट्स के लिए। और इसी के चलते पीएनसी इंफ्राटेक के स्टॉक को अगर आप देखें अच्छी मजबूती के बीच दिन भर ट्रेड करने के बाद ग्रीन मोमेंटम में ही सेटल होता हुआ दिखा। लेकिन अगर मार्केट्स में अगर पूरी तरह से टॉप गेनर्स की बात करें, आज बाजार में गेनिंग मोमेंटम लूज जरूर था लेकिन HDFC ट्विंस ने बाजार को संभालने का काम किया। HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक में हरे निशान के साथ कामकाज दिखा। ऑफकोर्स बैंक निफ्टी में भी तेजी नजर आई। आखिरी घंटों में बाजार ने रिकवरी अटेम्प्ट किया और इस अटेम्प्ट में कामयाबी भी हाथ लगी। वहीं ICICI बैंक और रिलायंस के लिए कल हमने देखा मैनेजमेंट में बदलाव की खबर आती हुई दिखी। उसके बाद लॉरेंस बलानको के रिलायंस को लेकर पॉजिटिव कमेंट्स भी थे। एक एक कर सारे के सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स है जो कि रिलायंस के लिए काफी हद तक पॉजिटिव साबित होते हुए नजर आए। इंडसइंड बैंक का स्टॉक भी आज कॉन्ट्रीब्यूटर्स में शामिल रहा। इसके ठीक पीछे लगार्ड्स की अगर बात करें, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, L&T जैसे स्टॉक्स थे जो कि मूव नहीं कर पा रहे थे, बाजार में ये सपोर्ट बिल्कुल डेवलप नहीं कर पा रहे थे, इसी के चलते बिकवाली हावी होती रही। अडानी पोर्ट्स के स्टॉक में, अडानी ग्रुप स्टॉक्स में ही आज के सत्र में हमने देखा भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। तो अगेन डाउनसाइड इन अडानी ग्रुप स्टॉक्स फिर से नजर आ रहा है। इसी सूची में टेक महिंद्रा का स्टॉक भी रहा और ट्रेडिंग पैनल की भी अगर माने तो टेक महिंद्रा के स्टॉक को इस वक्त अवॉइड लिस्ट में डालने की बात कही जा रही थी। मिड कैप गेनर्स की अगर बात करें, इमामी की तो हमने बात की है, इसके अलावा टोरेंट पावर, बैंक ऑफ इंडिया, ऑयल इंडिया, ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन वाले स्टॉक्स पर नजर रखें क्योंकि क्रूड में एक मोमेंटम बिल्ट होता हुआ दिखा। इसका एक असर है जो कि ऑयल इंडिया, ONGC जैसे काउंटर्स पर नजर आ सकता है। साथ ही एस्कॉर्ट्स की अगर बात करें, यहां पर भी हमने हरे निशान के साथ मिड कैप में कुछ हद तक मोमेंटम देखा। लेकिन ये बात बिल्कुल ना भूले, मंथली एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले खड़े हम, ट्रंकेटेड वीक है, वॉलिटिलिटी एंटिसिपेटेड है और इसी के चलते बाजार में टेक्निकल एक्सपर्ट्स और दिग्गजों का भी ये मानना है कि काफी हद तक सावधानी बरतकर कोई भी ट्रेड्स ले, बाजार को कभी वॉच लिस्ट में रखना भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के स्टॉक्स को ढूंढे और इस कमजोरी में इन्वेस्टमेंट का नजरिया बनाने की कोशिश करें, ना कि जबरदस्ती ट्रेड्स लेने की कोशिश करें। तो क्लियरली एक म्यूटेड सेशन रहा, कमजोरी रही, बैंक निफ्टी ने हालांकि बाजार को संभाला।